कैलाश भैया नचेगा। तो अभी ये स्टेटस वगैरह ले लेंगे। चलिए जूस वगैरह है यहाँ पे, फ्रूट्स वगैरह। फिलहाल मैं ये सब लेके बैठ चुका हूँ और इधर भैया लोग लोग रूम पे आके अभी मतलब स्विमिंग से आके यहाँ पे कॉफी बना रहे हैं। कॉफी वगैरह पीता है, इसके बाद बाहर निकल के जो कुछ देखेंगे सब कुछ दिखाते रहेंगे आप लोग। वाह वाह, हम लोग इतना बढ़िया बनाते हैं कॉफी। अभी शाम के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग टीवी देख रहे थे थोड़ा लेट में, अभी रेडी हो रहे हैं। इधर सोबिक भैया, इधर सोबिक है। तो चलिए अभी पूल पार्टी वहाँ पे हो रहा है, जाएंगे पूल पार्टी दिखाएंगे। और बाकी ठीक है, चलिए चलते। चाय वगैरह सब कुछ मिल रहा है अभी शाम में, मतलब हाई टी जो मिलता है। अभी झालमुड़ी भी है उधर, चाट वगैरह है। ठीक है, चाट वगैरह। तो चलिए कुछ ट्राई करते हैं। इधर चल रहा है जो काउंटर है, लाइव काउंटर, उधर अभी चाट वगैरह प्रिपेयर हो रहा है, झालमुड़ी वगैरह। और ये जो ऊपर का कैफेटेरिया एरिया, और इधर अभी स्विमिंग पूल एरिया, नीचे वाला लॉन स्विमिंग पूल वगैरह। उधर अभी जो सांवताल डांस होगा वो अभी परफॉर्म होगा, हम लोग सबको आ रहे हैं, उसके बाद परफॉर्म होगा वहाँ पे। और इधर देखिए पूल, हम लोग तो बहुत इंजॉय किए यहाँ पे। और अभी कुछ देर पहले तो अभी पूल पार्टी भी हुआ डांस वगैरह डीजे के साथ, तो थोड़ा सा क्लिप दिखा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर अभी होगा डांस, तो चलिए अभी झालमुड़ी वगैरह कुछ खाते है, टिकिया चाट वगैरह, फिर नीचे चलते है डांस दिखाते है। सांवताल डांस होने वाला था, अभी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। चलिए हम लोग नीचे चलते है। थैंक यू। यहाँ पे चाट हो चुका है प्रिपेयर, चलिए नीचे जाके डांस के साथ चाट को एंजॉय करते हैं। में जो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह था सब कुछ तो अभी खत्म हो चुका है। अभी 8:30 को यहाँ पे जो बॉलरूम है वहाँ के डिस्को पार्टी होगा वहाँ पे, और खाना पीना सब भी वहीं पे होगा शायद, बाकी जो कुछ होगा सब कुछ दिखा। ऊपर से हम लोग नीचे आ चुके हैं बैंकेट हॉल में, यहाँ पे होगा अभी रात का जो डिनर वगैरह है, और बाकी सब पार्टी होगा यहाँ पे, पार्टी पार्टी। देखिए पीछे ये वाला हॉल, यहाँ पे होगा अभी पार्टी वगैरह, यहाँ पे गाना वगैरह बजाया जाएगा, बाबा भैया यार बजाएंगे गाना, यहाँ पे बासु भैया गाना बजाएंगे ना, बढ़िया सा बजाना। कैलाश भैया नचेगा। पूरा लाइन लग जाएगा मतलब खाना वगैरह का। अबे क्या दिखा रहा है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी लगेगा तो अभी कुछ नहीं है फिलहाल, अभी लगने वाला है खाना। इधर लाइव काउंटर होगा क्या, लाइव काउंटर होगा ना यहाँ पे, ठीक इधर लाइव काउंटर होगा। और बाकी खाना वगैरह अभी लगने वाला है, अभी तक नहीं लगा है, बनने वाला है, लाइव ही होगा सब कुछ शायद। तो या पानी वगैरह बाकी सब कुछ तो होगा ही, जो कुछ दिखाने को होगा दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पूरा लाइट वगैरह ऑन हो चुका है ऊपर का, तो चलिए एक सामने से एक टेक लेके दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये स्टेटस वगैरह ले लेंगे। चलिए I feel it, 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 I feel it
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुशलपल्ली। तो चलिए आज सुबह सुबह उठ के हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट पे बफे है, तो कहाँ पे होने वाला है, क्या क्या रहेगा, चलिए सब कुछ दिखाते हैं। फिलहाल निकल चुके हैं हम लोग और अभी सुबह मतलब रात को बहुत बारिश हुआ था शायद, लेकिन अभी वेदर ठीक ठाक ही है, बादल छाया हुआ है, बारिश हो सकता है। तो चलिए, कोई आता पता नहीं है, सूरज का कोई आता पता नहीं है, बारिश हो भी सकता है, पूरा भीगा हुआ है चारों ओर। तो चलिए अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करते। चलिए हम लोग आ चुके हैं अंतरा पे ही ब्रेकफास्ट करने के लिए। चलिए क्या क्या रहता है दिखाते हैं सब कुछ। पहले जूस वगैरह है यहाँ पे, फ्रूट्स वगैरह, सलाड, एट आउट है भगवान, केक, और डोनट, ठीक है भाई। इधर कॉर्नफ्लेक्स किसी को चाहिए तू? इधर है इडली वगैरह शायद, पोहा, यहाँ पे आलू बोंडा, ए बोंडा बस तकड़ा आलू बोंडा, पराठा, आलू चना टिक्की की सब्जी, पूरी कचौड़ी यहाँ पे, और जलेबी, बालूशाही, इधर भी है कुछ मसाला, ओट्स, इधर है बॉइल्ड एग, बाकी इधर चाय कॉफी वगैरह का सेक्शन है, इसको जो चाहिए। चलो बहुत कुछ है अभी इधर भी बफे में, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खाते हैं, मतलब थोड़ा सा ले लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। चलिए कुछ फिलहाल मैं ये सब लेके बैठ चुका हूँ और इधर भैया लोग अभी लेके आए हैं कचौरी, इडली वगैरह। चलिए फिर खा लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। चुके हैं सेकंड राउंड लेके, तो चलिए ये भी खा लेते हैं फिर दिखाते हैं। ब्रेकफास्ट करके हम लोग बाहर अभी बैठे हुए हैं और नजारा का थोड़ा सा एंजॉय ले रहे हैं। अभी बारिश हो रहा है बहुत, बस नहीं थोड़ा थोड़ा क्या हम लोग आ चुके हैं अभी बीच लगुन पे, यहाँ पे मतलब बीच की तरह कुछ सजाया गया है, और बाकी चलिए दिखाते हैं क्या क्या। और इधर एक मतलब छोटा सा झील की तरह किया हुआ है आई लव कुशलपल्ली, बाकी फोटो वगैरह खींचने के लिए बहुत बढ़िया जगह है ये बीच लगुन। और इधर तो सब कुछ देख ही रहे आप लोग, बढ़िया जगह है, मस्त प्रॉपर्टी है भाई। फिलहाल हम लोग अभी कुशलपल्ली रिसोर्ट से निकल रहे हैं, यहाँ पे चेकआउट वगैरह हो चुका है हम लोगों का, तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं माठा फॉरेस्ट की ओर। हमारा की